कुछ लोग हाफिज हैं और खुसूसन वहाँ पर जीरा वगैरह का भी काम चल रहा है। ये लैंड सर्वे अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वर्कबोर्ड के डिपार्टमेंट अगर कोऑपरेशन से हुआ तो इंशाल्लाह वो वक्त ज्यादा दें, जो आप छुट्टी दी है वो भी मंजर नहीं कर। और जो लोग हाफिज हैं इंशाल्लाह उन्हें ही रेट पे देने की बात कही है सीएम साहब ने हमारे, और वर्कबोर्ड भी सीएम साहब से तालमेल करता हुआ चल रहा है। इंशाल्लाह वक्त की जो जायदादें हैं टोटल वक्त की जायदादें हुई पर अगर हिसाब लगाया जाए 33,000 और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है वक्त की जायदादों के जिससे करोड़ों रुपये की आमदनी होती है। वक्त किसी का मोहताज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर पिछले चंद दिनों से आप भी गौर कर रहे हैं वक्त की हालत, जो साबिका गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट गुजरे हैं जितने भी वक्त के सत्ता धरता गुजरे हैं उन्होंने वक्त को एक ऐसा बनाकर रख दिया था, लेकिन हमारे के सी आर साहब ने ऐसे यानी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है जिससे इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें नजर आया करेंगी। क्योंकि एक चीज़ खसूस मैं वक्त में अगर देखा जाए तो कम से कम 184 वक्त की होल्डिंग बताया जा रहा, लेकिन असल में वक्त में देखा जाए तो 104 का उसका रिकॉर्ड हो चुका है। 104 होल्डिंग के वक्त में सिर्फ 4 का किराया है, वो भी वक्फ बोर्ड के दफ्तर के अंदर है। हम मसलन बाद की मिसाल ले लेता हूँ, आप ट्रांसपोर्ट साफी देख लीजिए वक्त की महंगी जायदाद है जहाँ पर यूनिफोल का बड़ा होल्डिंग से और दक्षी बोली का राजदार गरना के नाम से बड़ा यूनिफोल है, ऐसे कई मिसाल लकड़ी का पुल भी देख लीजिए आप। लेकिन ये जायदादों का किराया पिछले 12 सालों से ये बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचा रहा है। इसका किराया कहाँ जा रहा है? और परसों वक्त का जब मैंने प्रेशर डालने के बावजूद ये चीज़ मंजर यहाँ पर आई थी 104 कोडिंग से रिकॉर्ड में 104 आया, लेकिन 104 रिकॉर्ड है, लेकिन 4 का किराया, 4 का किराया भी जो 2000 में कायम किया गया था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट बोलते जब मकबूल के बावजूद बिल्डिंग थी उस वक्त वो किराया देता था, एक कोडिंग का 6,000, एक कोडिंग का 8,000, एक कोडिंग का 5,000, ऐसे किराए महीना है। जबकि मैंने उसको फाइल में चेक की तो फाइल में ये मैसेज किया कि वहाँ पर कोई किराया ना थे, लेकिन एक बड़ी कंपनी आईडीज के नाम से उस 4 होल्डिंग्स को भी चला रही है, लेकिन उससे हमारा कोई लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी मौजूद नहीं। तो ये हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले समय में। बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें निकालिए ताकि वक्त का भी फायदा हो, फॉर्म का भी फायदा हो। शरीफ साहब।